है साई न्यूज 24/7 लाइव सच की आवाज। आइए आपको लेकर चलते हैं अहम कुछ खास खबरों। वाराणसी के सारनाथ स्थित सारंग नाथ शिव मंदिर सामूहिक रुद्राभिषेक का बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें 300 परिवार के लोग शामिल हुए। सामूहिक रुद्राभिषेक कराने के लिए लोगों को मुक्त पूजा सामग्री, दो बल्टी दूध, थाली और अन्य सामान निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। सारंग नाथ के पार्थिव शिवलिंग का सामूहिक रुद्राभिषेक में 501 परिवार को शामिल होना था, लेकिन जगह के अभाव में 300 परिवार शामिल हो पाए। हिमाचल धाम के बाद व्यवस्था करें, सामग्री सब मिलेगी आपको। अगर दही नहीं हो तो किसी को नहीं मिला, तो किसी को नहीं मिलेगा। एक बटन दही नहीं है, देखिए दो ही परिवार बैठा तो दो ही दीजिएगा। पंडित जी, पंडित जी दो ही परिवार बैठा है ना। सर अपना पर्चे बता दीजिए। डॉक्टर संजय सिंह गौतम, आज इस कार्यक्रम में हम भी कार्यकर्ता के रूप में एक छोटा सा कार्यकर्ता हैं और व्यवस्था में लगे हुए हैं। किस तरह का रुद्राभिषेक हो रहा है, क्या है, कहां कहां से लोग आए हुए हैं? देखें, ये एक सामूहिक रुद्राभिषेक और वही पार्थिव शिवलिंग का है, और इसमें आने के लिए तो बिहार से भी लोग आए हुए हैं, बंगाल से भी लोग आए हुए हैं, महाराष्ट्र चल करके भी लोग आए हुए हैं और पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से भी आए हुए हैं। मुख्य स्थिति में क्या है जी? इसका जो मुख्य उद्देश्य है, सामूहिक रूप से जब हम कोई करते हैं, कोई भी छोटा सा पूजा अनुष्ठान करते हैं और सामूहिक रूप से करते हैं, तो वो एक यज्ञ हो जाता है, ऐसा हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है। तो इस नाते ये एक सामूहिक रुद्राभिषेक लगभग 300 परिवारों का एक साथ हो रहा है। कितने दिनों से चला रहा है, क्या है जी? इसके पहले भी हुआ है या? हाँ, ये कई वर्षों से चला आ रहा है, इस बार बृहद रूप लिया है। इसके पहले 50 लोग, 60 लोग, लगभग 7-8 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है।